वो बता दिया जाएगा, वो तो मुख्यमंत्री से मिले, वो कोई मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है। इसी साल जनवरी महीने में महागठबंधन की सरकार टूटती है और एनडीए के साथ नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाते हैं। इसी साल के जनवरी सभी के जहन में होगा कि सरकार टूट जाती है और 8 महीने बाद यानी ठीक 8 महीने बाद नीतीश और तेजस्वी की बंद कमरे में मुलाकात। खबरें सभी चला रहे हैं कि क्या बात बन गई, टूट जाएगी सरकार, क्या सेटिंग हो गया, खेला हो गया। वैसा कुछ नहीं है। देखिए खबर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे होंगे। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं। देखिए विपक्ष में है तेजस्वी यादव, कुछ प्रोटोकॉल दायरे और कुछ होता है कि नहीं भाई, किसी भी तरह का कुछ ऐसा होता है तो उनको मिलना लाजमी है कि क्योंकि विपक्ष में है और विपक्ष को मजबूत रहना भी जरूरी है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। देखिए बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे, इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। बिहार में देख सकते हैं कई तरह के बदलाव हुए हैं, नए DGP बनाए गए हैं, आलोक राज मुख्य सचिव बनाए गए। अब जिस तरीके से जो संवैधानिक पद जो होता है उसको लेकर विपक्ष का भी तालमेल रहना जरूरी है। सरकार के अनुसार वो तालमेल मिलकर अगर वो चलती है तो वो परफेक्ट होता है। उसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, पुराने दिनों का तो बात याद आ ही जाती है, जब डिप्टी CM हुआ करते थे तेजस्वी यादव और उनके चाचा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। अचानक एक बड़ा बदलाव आता है और नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर अपने पुराने घर में चले जाते हैं। 8 महीने बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करने तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और कई बातों पर चर्चा होती है, विचार होती है। विपक्ष मजबूती के साथ CM नीतीश से मुलाकात किया, मुलाकात के बाद क्या कुछ करें जरा वो सुनिए। क्या सहमति बनी, किसका जो है होना है, किनका होना सर, किनका तय होना, वो बता दिया जाएगा। वो तो मुख्यमंत्री से मिले, वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है और बात अपना हम लोग रखते हैं कि भाई शेड्यूल लाइन वाला जो है चलिए हो गया।